Hello everyone and welcome to our workshop on abacus. Today we are going to discuss about the benefit of abacus, a short summary of its history and how can it be useful to enhance the mathematical skills. A lot of students have maths phobia due to which they are unable to perform well in maths. However, abacus is a useful technique which helps to boost the calculation skill and also the memory. अबैकस के थ्रू क्या होता है, जिन बच्चों में आजकल मैथ को लेकर बहुत फोबिया है कि वो मतलब मैथ को लेकर तो कुछ बच्चे इतना है कि उनको कैलकुलेट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो अबैकस एक ऐसी टेक्निक है जिससे उनको क्या है बहुत हेल्प मिलती है मैथ को सॉल्व करने में. नाउ व्हाट इज अबैकस? अबैकस इज अ ब्रेन डेवलपमेंट टूल विच हेल्प्स इन exercising the brain and improve its concentration and confidence. Abacus है क्या? Abacus एक brain development tool है जिसमें हम एक tool के through आपको सारी calculations सिखाते हैं जो आपका help करता है exercise brain में and improve हो जाती है उससे आपकी concentration and confidence level. अब आपको ये पता होना चाहिए कि history क्या थी Abacus की. History of abacus. The earliest counting device was the human hand and its fingers, then feet and the toes. Further larger quantities were counted through various natural items like pebbles, twigs, etc. But for trade merchants, these were not enough for purpose of calculation as more numbers were required and thus they were invented abacus. अबैकस को ह्यूमंस ने बनाया क्यों? एंशिएंट वर्ल्ड में ह्यूमंस अपनी काउंटिंग करने के लिए हैंड और अपने फीट के फिंगर्स एंड टोज का यूज करते थे, बट जब उनको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बहुत ज्यादा मात्रा में उनको कुछ काउंट करना होता था, यानी जब बिजनेस करने जाओगे तो आप ऐसा तो है नहीं एक दो चीजें बेचोगे, वो थाउजेंड लैक्स में होती थी, तो उसको काउंट करने में बहुत प्रॉब्लम आने लगी. तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक टूल का इन्वेंट किया जिसको नाम दिया गया अबैकस टूल. तो ये थी उसकी हिस्ट्री. अब हिस्ट्री के बाद अब आप बोलोगे कि आजकल तो हमारे पास कैलकुलेटर है, हम कैलकुलेट से कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से, बट मॉडर्न टाइम में भी अबैकस के बहुत से बेनिफिट हैं. ऐसा नहीं है कि अबैकस सिर्फ आपकी मैथमेटिकल स्किल को ही इम्प्रूव करना है यानी कैलकुलेशन को ही, बल्कि उसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. हम देखते हैं. फर्स्ट इज 360 degree brain development. Our brain is divided into two parts, left and right. Both has different function. Left brain function analytical thought, logic, language, science and math. यानी कि इसमें science, math, language से related सारे हमारे functions आते हैं. राइट ब्रेन फंक्शंस में holistic thought. Holistic का मतलब होता है कि जो पिक्चर आप देखते हो वो आपके माइंड में बैठ जाती है. Intuitions, creativity, arts and music. तो right brain और left. Abacus के through हम क्या करते हैं, पहले आपको टूल पर सारी कैलकुलेशन सिखाई जाती है, उसके बाद इनको फिंगर्स पर यानी कि ब्रेन में उसको टूल को रख करके हम फिंगर्स पर काउंटिंग सिखाते हैं जिसे हम विजुअलाइजेशन बोलते हैं. तो उससे आपका 360 डिग्री ब्रेन डेवलपमेंट होता है. नेक्स्ट इज इम्प्रूव मैथमेटिकल स्किल. अबैकस के थ्रू आपकी मैथमेटिकल स्किल बहुत ही इम्प्रूव हो जाती है और कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है. कंसंट्रेशन कैन बी डिस्क्राइब एज फोकस फॉर अ पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम. अबैकस एंगेज द ईयर्स, आईज, हैंड्स ऑफ यूजर एट सेम टाइम इंडल्ज इन परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन ऑन टूल. अबैकस में क्या किया जाता है, एक टूल के थ्रू स्टूडेंट्स की आईज, ईयर्स और हैंड की एक्सरसाइज कराई जाती है जिससे वो क्या है एक ही टाइम पर तीनों चीजों का यूज करते हैं और उनकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है. आजकल के बच्चों में कंसंट्रेशन की बहुत कमी है क्योंकि फैसिलिटीज बहुत हैं कि उनको फोन में देखना है, फिर टीवी भी देखना है उनको. तो कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए अबैकस एक अच्छी टेक्निक है. नेक्स्ट इज इंक्रीज फोटोग्राफिक मेमोरी. तो अबैकस किसमें हेल्प करता है, फोटोग्राफिक यानी जो बच्चे एक जैसे बचपन में हमको जो बुक्स दी जाती थी उसमें हर चीज की फोटो बनाकर दी जाती थी पहले पिक्चर,
कि जिससे बच्चा जल्दी जल्दी याद कर ले, जैसे ए फॉर एप्पल, एप्पल की पिक्चर है तो उसके माइंड में बन जाता था कि ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है। तो इसी तरह से अबैकस में भी पहले टूल को माइंड में बिठाया जाता है, उसके बाद विजुअलाइजेशन किया जाता है, जिससे आप ओरली सारी कैलकुलेशन कर लेते हो बड़ी से बड़े भी। दिस एक्सरसाइज हेल्प्स देम इन इंक्रीजिंग फोटोग्राफिक मेमोरी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म मेमोरी। नेक्स्ट इज बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब एक बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन पावर इंक्रीज हो जाता है और उसकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है, तो नेचुरली कि उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी इंक्रीज होता है। अबैकस लर्निंग स्टूडेंट्स परफॉर्मिंग लॉन्ग कैलकुलेशन विद स्पीड एंड एक्यूरेसी इवन फास्टर देन कैलकुलेटर, मतलब कैलकुलेटर से भी फास्ट करने लगते हैं बच्चे। अगर बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस करता है अबैकस की, तो ये ट्रू है कि वो कैलकुलेटर से भी जल्दी कैलकुलेट कर पाता है सारी कैलकुलेशंस। व्हेन स्टूडेंट्स स्टार्ट डेमोंस्ट्रेटिंग सच रिजल्ट्स, इट बूस्ट देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ। तो ये थे उसके बेनिफिट कि आपको अबैकस सीखना क्यों चाहिए। ठीक है, अब हम बताते हैं कि आज के हमारे टॉपिक्स क्या हैं और फुल कोर्स में हम क्या क्या टॉपिक कराते हैं। आज हम आपको थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन का बताएंगे, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट, क्यूब रूट, इनका आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि इसमें होता क्या और हम क्या सिखाते हैं, बैकस के थ्रू कैसे सिखाए जाते हैं। और टोटल में हम ये सब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट, क्यूब रूट, विजुअलाइजेशन हर टॉपिक का, डिवीजन, डेसिमल वैल्यू सम्स, एचसीएफ, एलसीएम एंड परसेंटेज, ये सारी चीजें निकालनी सिखाई जाती हैं। और आप अपने राइट साइड में देख रहे हैं एक टूल बना हुआ है, ये अबैकस टूल है। ठीक है, ये एक मास्टर टूल आता है और एक बच्चों के लिए छोटा टूल आता है। तो ये आपका टूल है और इसका अभी आपको मैं लाइव दिखाती हूँ। हाँ, इसका इंट्रोडक्शन लाइव देते हैं अभी आपको। बिफोर गोइंग टू लाइव सेशन टूडे, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन अवर यूट्यूब चैनल लर्न अबैकस बाय मंजू गुप्ता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर अबैकस वर्कशॉप। तो आइए अब हम करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ टूल। अबैकस में एक टूल यूज किया जाता है, ये होता है हमारा अबैकस टूल, जिसमें आपको बहुत सारी रोड्स दिखाई दे रही हैं और बीच में ये क्या होते हैं, यूनिट पॉइंट्स। सबसे पहली हमारी होती है वंस रोड, नेक्स्ट इज टेंस रोड, नेक्स्ट इज हंड्रेड रोड, देन थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, इस तरह से हमारी चलती हैं। और ये वाली रोड हम डॉट्स में यूज़ करते हैं, यानी कि 0.1, 0.2, 0.3, इस तरह से। ये हमारा, और ये हमारी होती है बीड्स, यानी कि जैसे हमें चाहिए वन, तो वन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वंस रोड पर वन को कर देंगे अप। इसका मतलब अबैकस टूल पर वैल्यू क्या हो गई, वन। नेक्स्ट टू, थ्री, फोर, फिर फाइव, सिक्स करने के लिए फाइव वन सिक्स, फाइव टू सेवन, फाइव थ्री एट, फाइव फोर नाइन। अब नाइन से आगे चाहिए तो फिर हमारा क्या आ जाता है, ये टेन, ट्वेंटी, थर्टी, फोर्टी एंड फिफ्टी। देन फिफ्टी प्लस टेन, सिक्सटी, सेवेंटी, एटी, नाइन्टी, देन हंड्रेड, इस तरह से हमारी बीट्स चलती हैं। अब हमें टूल चलाना कैसे होता है, टूल चलाने के लिए हमें इंडेक्स फिंगर और थंब की जरूरत होती है, यानी कि थंब से हम क्या करते हैं, डाउन, नीचे वाली बीट्स को अप करते हैं, और डाउन करने के लिए इंडेक्स फिंगर का यूज़ करते हैं। और ऊपर वाली बीट्स के लिए हमें क्या करना होता है, डाउन करने के लिए इंडेक्स फिंगर, अप करने के लिए हमें थंब यूज़ करना होता है। इस तरह से हम टूल चलाते हैं अपना। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट, सबसे फर्स्ट मेथड है हमारा सिंगल डिजिट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब है कि जिसमें कोई कॉम्प्लीमेंट यूज़ नहीं हो रहा। वैसे अबैकस में बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंगल डिजिट विद डायरेक्ट मेथड। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। फर्स्ट इज मेक फाइव, फोर माइनस नाइन। मेक फाइव बनाने के लिए मेक फाइव प्लस फोर, प्लस फोर माइनस नाइन, यानी आंसर विल बी जीरो। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एट माइनस सेवन, टू, सिक्स। मेक एट
-7, 5 up, 2 down, plus 2, direct, plus 6, 5, 1, 6. Answer will be 5, 4, 9. Let's take another example. Make 3 plus 6 minus 8 minus 9 plus 8. Make 3 plus 6 direct minus 9. 9 करने के लिए 4 down, 5 up. Plus 8. 8 करने के लिए 5 और 3, 8. Answer will be 8. Let's take another example. Make 2 plus 6 minus 8, 9. Make 2 plus 6, 5, 1, 6, minus 8, 5, 3, 8 plus 9, direct. Answer will be 9. ये था हमारा single digit डायरेक्ट मेथड की टूल आपको चलाना कैसे है। जब आप एक बार टूल पर प्रैक्टिस कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं फिंगर पर इसकी प्रैक्टिस करा देते हैं, मतलब जिससे आपको टूल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो धीरे धीरे पहले हमें ये पूरा टूल के बारे में सीखना पड़ेगा और टूल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद हम उसी रोड को माइंड में रखते हैं और विजुअलाइजेशन से हम अपने हैंड से ही स्पीडली कर पाते हैं। नेक्स्ट टूडेज नेक्स्ट मेथड इज 5 कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ही जब हमारे पास वंस रोड पर कोई भी बिट्स अवेलेबल नहीं होती तो हमें क्या करना है, मान लीजिए ये 1, 2, 3, 4 हो गया, उसके बाद ये 4 है, अब इसमें हमें करना है प्लस 5 या प्लस 2, प्लस 3, तो हम क्या करेंगे 5 का यूज़ करेंगे। ठीक है, 5 किसी भी कॉम्प्लीमेंट को सीखने से पहले अबाकस में सबसे पहले फ्रेंड्स लर्न करने होते हैं। 1 इज़ फ्रेंड ऑफ 4, 2 इज़ फ्रेंड ऑफ 3, 3 इज़ फ्रेंड ऑफ 2 एंड 4 इज़ फ्रेंड ऑफ 1, यानी 1 प्लस 4, 5, 2 प्लस 3, 5, 3 प्लस 2, 5, 4 प्लस 1, 5। उसके बाद प्लस 1, जब हमें प्लस 1 करना है तो हम क्या करेंगे प्लस 5 माइनस 4। ओके, नेक्स्ट प्लस 2 करने के लिए प्लस 5 माइनस 3, प्लस 3 करने के लिए प्लस 5 माइनस 2, प्लस 4 करने के लिए प्लस 5 माइनस 1, यानी कि जब हमें ऐड करनी होती हैं 1, 2, 3, 4 नंबर्स 5 कॉम्प्लीमेंट में, तो फ्रेंड्स को क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट और 5 को क्या कर देते हैं प्लस। और ऐसे ही जब हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है तो फ्रेंड को क्या करेंगे, फ्रेंड को कर देंगे प्लस और 5 को कर देंगे माइनस। जैसे माइनस 1 करने के लिए प्लस 4, माइनस 5, माइनस 2 करने के लिए प्लस 3, माइनस 5, नेक्स्ट इज माइनस 3 करने के लिए प्लस 5, प्लस 2, माइनस 5, माइनस 4 करने के लिए प्लस 1, माइनस 5। देखिए टूल पर देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास 4 अवेलेबल है, अब हमें करना है प्लस 1, 1 इज फ्रेंड ऑफ 4, तो क्या होगा प्लस 5 माइनस 4, यानी बीट्स क्या जा रही है हमारी डाउन डाउन, प्लस में बीट्स हमारी क्या जाएंगी डाउन डाउन। नेक्स्ट इज मान लीजिए यहाँ पर 4 है, प्लस 2, 2 इज फ्रेंड ऑफ 3, देन 5 डाउन, 3 डाउन, आंसर विल बी 6, यानी बीट्स क्या गई डाउन डाउन। इसी तरह से हमारा हमें करना है प्लस 3, 3 इज फ्रेंड ऑफ 2, 5 डाउन, 2 डाउन। नेक्स्ट इज प्लस 4, 4 इज फ्रेंड ऑफ 1, तो 5 डाउन, 1 डाउन, आंसर विल बी 8। तो जब भी हमें 5 कॉम्प्लीमेंट में प्लस करनी है बीट्स 1, 2, 3, 4, तो हमारी क्या रूल लगता है बीट्स डाउन डाउन, यानी कि सारी बीट्स जो है क्या जाएंगी डाउन डाउन। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट में मान लीजिए हमारे पास 5 अवेलेबल है, हमें करना है माइनस 1, 1 इज फ्रेंड ऑफ 4, तो हमें क्या करना है फ्रेंड को प्लस करना है और 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे ही माइनस 2 करने के लिए 2 इज फ्रेंड ऑफ 3, 3 अप, 5 अप, नेक्स्ट इज 5 अवेलेबल है माइनस 3, 3 इज फ्रेंड ऑफ 2, तो 2 अप, 5 अप, नेक्स्ट इज माइनस 4, 4 इज फ्रेंड ऑफ 1, 1 अप, 5 अप। तो इस तरह से हमारी बीट्स क्या गई, जब माइनस करना है तो बीट्स क्या जाती हैं अप अप। ये दो रूल हमें याद रखने हैं प्लस 5 कॉम्प्लीमेंट में, जब प्लस करना है तो बीट्स जाएंगी डाउन डाउन, यानी 5 भी डाउन फ्रेंड्स भी डाउन, एंड जब माइनस करना है तो बीट्स क्या जाएंगी अप अप,
जिसमें हमें क्या करना है, फ्रेंड्स को भी अप करना है और 5 को भी अप करना है. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. फर्स्ट इज मेक 2 + 2 + 2 - 2. मेक 2 + 2 डायरेक्ट हो रहा है. अब प्लस 2 करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमारे पास 5 अवेलेबल है तो हम 5 कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे. 2 इज फ्रेंड ऑफ 3 तो 5 डाउन 3 डाउन. -2, अब -2 करने के लिए फिर से हमारा -5 कॉम्प्लीमेंट लग रहा है. 2 इज फ्रेंड ऑफ 3 देन 5 अप 3 आंसर विल बी 4. नेक्स्ट एग्जांपल इज मेक 3 2 - 3 + 3 = 4. मेक 1 2 3 बिड अप +2. 2 इज फ्रेंड ऑफ 3 तो 5 डाउन 3 डाउन. -3 फिर से हमारा -5 कॉम्प्लीमेंट लग रहा है, यानी कि 5 अप 2 अप. 3 इज फ्रेंड ऑफ 2 +3 फिर से हमारा +5 कॉम्प्लीमेंट लग रहा है. 5 डाउन 2 डाउन +4 डायरेक्ट. Answer will be 9. Let's take one more example. Make 5 - 2 + 1 + 1 + 3. Make 5 - 2. 2 is friend of 3. 5 up, 3 up. +1 direct. +1 फिर से हमारा 5 कॉम्प्लीमेंट. 1 इज फ्रेंड ऑफ 4. 5 डाउन 4 डाउन +3 डायरेक्ट. आंसर विल बी 8. तो इस तरह से हमें लगाना है अपना 5 कॉम्प्लीमेंट. टुडेज नेक्स्ट मेथड इज 10 कॉम्प्लीमेंट. सेम ऐसे ही जैसे हमने 5 में फ्रेंड्स किए थे, ऐसे ही हमें 10 में भी क्या करने होंगे, फ्रेंड्स लर्न करने होंगे. फ्रेंड कितने होंगे? 1 इज फ्रेंड ऑफ 9, 2 इज फ्रेंड ऑफ 8, 3 इज फ्रेंड ऑफ 7, 4 इज फ्रेंड ऑफ 6, 5 इज फ्रेंड ऑफ 5, 4 देन 6 इज फ्रेंड ऑफ 4, 7 इज फ्रेंड ऑफ 3, 8 इज फ्रेंड ऑफ 2 एंड 9 इज फ्रेंड ऑफ 1. जब हमें अब फ्रेंड्स लर्न करने के बाद हम देखते हैं कि हमें कैसे यूज़ करना है. जब हमें +1 करना है तो -9 + 10, +2 करने के लिए -8 + 10, +3 करने के लिए -7 + 10, +4 करने के लिए -6 + 10, +5 करने के लिए -5 + 10, +6 करने के लिए -4 + 10, +7 करने के लिए -3 + 10, +8 करने के लिए -2 + 10 और +9 के लिए -1 + 10. यानी कि फ्रेंड्स को जब भी हमें ऐड करना है तो फ्रेंड्स को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, 10 को कर देंगे प्लस. एज इट इज जब हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो फ्रेंड्स को कर देंगे प्लस और 10 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट. जैसे -1 के लिए -10 +9. इसके थ्रू देखते हैं, अबेकस टूल के थ्रू हम इसको करते हैं. +1 मान लीजिए हमारे पास 9 अवेलेबल है, हमें करना है +1. 9 1 इज फ्रेंड ऑफ 9 तो -9 + 10. नेक्स्ट इज +2, 2 इज फ्रेंड ऑफ 8 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 सब्ट्रैक्ट +10. सेम एज इट इज +3, -7 + 10 बिकॉज 3 इज फ्रेंड ऑफ 7. नेक्स्ट इज +4, 4 इज फ्रेंड ऑफ 6, -6 + 10. नेक्स्ट इज +5, 5 इज फ्रेंड ऑफ 5 तो -5 + 10. नेक्स्ट इज +6, 6 इज फ्रेंड ऑफ 4 तो -4 + 10. नेक्स्ट इज +7, 7 इज फ्रेंड ऑफ 3 तो -3 + 10. नेक्स्ट इज +8, 8 is friend of 2, -2 + 10. Next is 9, +9, -1 +
9. As it is, जब हमारे पास 10 अवेलेबल है और हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए फ्रेंड को क्या करना है, प्लस. तो माइनस 10 प्लस 9, यानी कि 10 में से बन गए 9. नेक्स्ट इज माइनस 2. 2 इज फ्रेंड ऑफ 8. तो माइनस 10 प्लस 8. 10 माइनस 2, 8. नेक्स्ट इज 10 माइनस 3. 3 इज फ्रेंड ऑफ 7. तो माइनस 10 प्लस 7. 10 माइनस 3, 7. नेक्स्ट इज 10 अवेलेबल है माइनस 4. 4 इज फ्रेंड ऑफ 6. माइनस 10 प्लस 6. नेक्स्ट इज माइनस 5. 5 इज फ्रेंड ऑफ 5. तो माइनस 10 प्लस 5. 10 माइनस 5, 5. नेक्स्ट इज माइनस 6. 6 इज फ्रेंड ऑफ 4. तो माइनस 10 प्लस 4. माइनस 7. 7 इज फ्रेंड ऑफ 3. तो माइनस 10 प्लस 3. आंसर विल बी 3. नेक्स्ट इज मेक 8. 8 is friend of 2. So minus 8 plus 2. Next is minus 9. 9 is friend of 1. Minus 10 plus 1. Answer will be 1. So, इस तरह से हमें लगाना है हमारा 10 complement. हमें क्या लर्न रखना है, जैसे ही हमें add करना है तो friends को क्या कर देंगे, subtract. और जब subtract करना है तो friends को क्या कर देंगे, plus. अब इसको कुछ example से समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज मेक 2 प्लस 5. मेक 2 प्लस 5 प्लस 3 माइनस 1. मेक 2 प्लस 5 प्लस 3. 3 इज फ्रेंड ऑफ 7. यानी अब हमारा 10 कॉम्प्लीमेंट लग रहा है, तो फ्रेंड को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट. तो हम क्या करेंगे, माइनस 7 प्लस 10 माइनस 1. यहाँ पर भी हमारा फिर से 10 कॉम्प्लीमेंट लग रहा है, माइनस 10 कॉम्प्लीमेंट. 1 इज फ्रेंड ऑफ 9. तो 9 को कर देंगे प्लस, 10 को कर देंगे माइनस. आंसर विल बी 9. तो इस तरह से हमें क्या है, क्वेश्चंस निकालने हैं. अभी हम सिर्फ सिंगल डिजिट डिस्कस कर रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद आती है हमारी डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, और फिर नेक्स्ट 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 आपको करना होता है. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मेक 4 प्लस 1 प्लस 5 माइनस माइनस 3 प्लस 4. मेक 4 प्लस 1. 1 करने के लिए देखिए 5 कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है. प्लस 5 माइनस 4. उसके बाद नेक्स्ट इज प्लस 5. 5 करने के लिए हमारा 10 कॉम्प्लीमेंट लग रहा है, यानी कि 10 अब 5 अब. माइनस 3. 3 करने के लिए फिर से हमारा 10 कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है. 3 इज फ्रेंड ऑफ 7. तो 7 को कर देंगे प्लस, 10 को कर देंगे माइनस. प्लस 4. 4 करने के लिए फिर से हमारा कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है, प्लस 10 और माइनस 6, बिकॉज 4 इज फ्रेंड ऑफ 6. आंसर विल बी 1, 1, 11. अब इसमें देखिए 5 और 10 के सारे कॉम्प्लीमेंट हमारे यूज हुए हैं. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. मेक 5 माइनस 2 प्लस 7 माइनस 1 माइनस 3. मेक 5 माइनस 2. 2 इज फ्रेंड ऑफ 3. तो हमारा 5 कॉम्प्लीमेंट लगा. प्लस 7. 7 इज फ्रेंड ऑफ 3. 10 कॉम्प्लीमेंट. माइनस 1. फिर से हमारा क्या लग रहा है, 10 कॉम्प्लीमेंट. 1 इज फ्रेंड ऑफ 9. तो माइनस 10 प्लस 9 माइनस 3 डायरेक्ट. आंसर विल बी 6. तो ऐसे हमें लगाना है हमारा 10 कॉम्प्लीमेंट, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है. उसके बाद हमारे मिक्स कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं. बट इसके बाद मैं आपको थोड़ा मल्टीप्लाई के बारे में बताती हूँ, क्योंकि ये हमारी वर्कशॉप है. सारा तो मैं नहीं बता पाऊंगी, तो मैं मेन मेन आपको बताने जा रही हूँ आज. ये हमने सीखा अभी तक, ये हमने अभी तक सीखा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सिंगल डिजिट विद 5 कॉम्प्लीमेंट एंड 10 कॉम्प्लीमेंट. अब नेक्स्ट ट्रिक इज, नेक्स्ट मेथड इज मल्टीप्लिकेशन. देखिए बच्चों को मल्टीप्लाई करने में बहुत प्रॉब्लम होती है. मल्टीप्लाई में उनको पहले तो टेबल लर्न ही होती.
तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है अबेकस टूल के थ्रू, पहले टूल के थ्रू सिखाया जाता है, उसके बाद विजुअलाइजेशन, यानी आपको टूल की भी जरूरत नहीं पड़ती तो आप वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आज हम करते हैं 1D × 3D, यानी 1 डिजिट को मल्टीप्लाई करना है 3 डिजिट से। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल। फर्स्ट इज 7 × 729। अब देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए हमें पहले क्या करना होता है, हमारी डिजिट काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट है। तो हमें अपना जो आंसर है वो कहाँ प्लेस करेंगे, हम यूनिट रोड से 1, 2, 3, 4, यानी 1000 रोड से स्टार्ट करेंगे हम अपना प्लेस करना। सबसे पहले हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 7 कितना होता है 49, हमने प्लेस कर दिया पहले। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज 7 × 2, 7 × 2 = 14। अब हमें जहां हमने छोड़ा है, जिस रोड पे हमने लास्ट डिजिट प्लेस की थी, वहीं से हमें प्लेस करना है 14, यानी इस पर हमें 1 चाहिए। 1 लाने के लिए इस रोड पर कोई भी बिट्स अवेलेबल नहीं है, तो हम नेक्स्ट पर जाएंगे, यानी कि 10 हमने प्लस कर दिया और माइनस कर देंगे 9, ये हमारा क्या हो गया, 1 प्लस हो गया, अब चाहिए हमें 4, यानी कि 14। ओके, नेक्स्ट इज 7 × 9 = 63, अब इस रोड पर हमें चाहिए 6, 63, 6 लाने के लिए 10 कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, प्लस 10 माइनस 4 देन 3, आंसर विल बी 5103। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, 9 × 9 = 36। फर्स्ट स्टेप इज 9 × 9, अब 9 तक टेबल तो आपको लर्न होने ही चाहिए। ओके, अगर 9 तक टेबल भी नहीं आते तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो 9 × 9, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट अवर डिजिट्स, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 9 × 9 = 81। यहीं पर हम अपनी फिंगर यहीं रखेंगे। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट स्टेप इज 9 × 3, 9 × 3 = 27। नेक्स्ट स्टेप इज 9 × 6 = 54, यहाँ पर 50 करने के लिए प्लस 10 माइनस 5, 50 हो गया, 4 डायरेक्ट, आंसर विल बी 8, 4, 2, 4, 8, 4, 2, 4। तो इस तरह से हमें क्या करने हैं, अपने मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस। देखा ना आपने कितनी स्पीड से आपने बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, ऐसे ही जब हम 1D 3D कर लेते हैं, फिर 2D × 2D, 2D × 3D सारे सिखाए जाते हैं। टुडेज नेक्स्ट टॉपिक इज टेबल्स। अब देखिए अबेकस के थ्रू हम बड़े बड़े टेबल भी बच्चों को फास्ट करना सिखाते हैं। कैसे, एक एग्जांपल से बताते हैं। मान लीजिए हमने लिया 99 ones, 99 ones, 99, you know, and 99 twos, इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए टेबल्स करने के लिए सबसे पहले 99 ones, 99 plus 99 कीजिए, plus 99 करेंगे प्लस 100 माइनस 1, आंसर विल बी 198, 198, 99 × 3। फिर से हमें क्या करना है, प्लस 99, देन प्लस 100 माइनस 1, आंसर विल बी 297, 297। नेक्स्ट इज 99 fours, प्लस 100 माइनस 1, 396, 396। नेक्स्ट इज 99 fives, फिर से प्लस 99 कीजिए, प्लस 100 माइनस 1, यानी कि 495, 495, 99 sixes, फिर से हमें क्या करना है, प्लस 99, अब की बार हमारे पास यहाँ पर बीट्स नहीं है तो 50 के पास जाएंगे, यानी कि प्लस क्या हो गया 10 माइनस 1, 594, 594।
Next is 99 sevens are. कितना होगा? Plus 100 minus 1 यानी 693. 693 99 8s are plus 100 minus 1 792 792 99 9s are plus 100 minus 1 आंसर विल बी 891 891. नेक्स्ट इज 99 tens are के लिए हम क्या करेंगे? प्लस 100 माइनस 1 यानी कि 990. तो इस तरह से टेबल्स भी क्या है, आप अबाकस टूल के थ्रू और बाद में विजुअलाइजेशन से इजीली कर सकते हैं. टुडेज नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्वेयर्स. अब जब भी स्क्वेयर निकालने बैठते हैं बच्चों के तो होश ही उड़ जाते हैं. क्यों? क्योंकि स्क्वेयर में इनको बहुत प्रॉब्लम आती है. आज देखिए हम आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे. ये मैं आपको डायरेक्ट विदाउट टूल बता रही हूँ. सबसे फर्स्ट हम लेते हैं एंड विद 5, यानी कि जिन नंबर्स के एंड में 5 आता है, डबल डिजिट वाले. हमने कुछ एग्जाम्पल आपको करके दिखाते हैं. मेक 45. अब इसका हमें स्क्वेयर करना है. आप क्या करेंगे? 45 into 45. पर शॉर्ट ट्रिक देखिए, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 5 into 5 25. और आगे वाले नंबर को इसके सक्सेसर से, यानी कि 5 4 20. देखा आपने, एक सेकंड में आप निकाल सकते हैं स्क्वेयर कि कैसे आपको करना है अगर एंड विद 5 है तो. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. 65 square 5 5 जा 25. 6 का सक्सेसर होता है 7. 6 7 जा 42. आंसर विल बी 4 2 5. तो इस तरह से हमें क्या निकालने होते हैं? स्क्वेयर्स एंड विद 5 नंबर्स. नेक्स्ट इज जिन नंबर्स के एंड में 5 नहीं आता वो आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 59 square है मान लीजिए. 9 9 जा, पहले 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. 81 8 हमारा आ गया कैरी. देन फिर क्या करना होता है? 5 multiply 9 multiply 2. 5 9 2, तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे. 5 9 जा 45 45 2 जा 90 90. में ये कैरी को हम प्लस कर देंगे, यानी पहले हमने क्या किया? 5 9 और 2 मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 90. और 90 में प्लस 8 कर दो, कितना आ जाएगा? 98. 9 हमारा कैरी आ गया. नेक्स्ट स्टेप इज 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए. 5 5 जा 25 25. में 9 प्लस कर दीजिए, आंसर विल बी 3 4 8 1. ठीक है. तो ये लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. 67 square. हमने क्या करना है? फर्स्ट स्टेप इज 7 7 जा 49. देन 4 इज कैरी. नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है? जो भी हमारे पास नंबर होते हैं उनको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 6 7 जा 42. 42 2 जा 84. कितना आया हमारा? 84. और इसमें प्लस कर दो आप जो कैरी बचा हुआ, यानी कि 88. अब 8 यहाँ पर आ जाएगा और 8 हमारा कैरी बच गया. 6 को फिर से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 6 जा 36. 36 plus 8 44. आंसर विल बी 4 4 8 9. तो इस तरह से हमें क्या निकालने होते हैं? हमारे स्क्वेयर्स. टुडेज नेक्स्ट ट्रिक इज स्क्वेयर रूट. इसमें भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है रूट निकालने में. आधे बच्चे तो 2 3 साल लगा देते हैं रूट सीखने में. तो आज हम आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे. स्क्वेयर रूट सीखने से पहले आपको 1 to 10 स्क्वेयर्स पता होनी चाहिए. स्क्वेयर ऑफ 1 इज 1, स्क्वेयर ऑफ 2 इज 4, स्क्वेयर ऑफ 3 इज 9, स्क्वेयर ऑफ 4 इज 16, स्क्वेयर ऑफ 5 इज 25, देन स्क्वेयर ऑफ 6 इज 36, स्क्वेयर ऑफ 7 इज 49, स्क्वेयर ऑफ 8 इज 64, स्क्वेयर ऑफ 9 इज 81.
उसके बाद हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4096। अब आपको इसका रूट बताना है। ट्रिक हमारी क्या है, सबसे पहले हम बनाते हैं पेयर्स लेफ्ट साइड से। ओके, टू टू के हमने पेयर बना लिए। फर्स्ट हम देखेंगे 40 हमारा किस में लाई कर रहा है, आ रहा है हमारा 36, यानी 40 के नीचे हम 36 ही लिख सकते हैं ना। तो फर्स्ट डिजिट हमें मिल गई अपनी 6, 40 माइनस 36 कितना बच गया, 496। अब 496 लास्ट में देखिए क्या डिजिट है हमारी, 6। अब 6 किस किस में आता है, एक तो 4 में आता है, एक हमारा 6 यूनिट प्लेस पर 6 कहाँ कहाँ आ रहा है हमारा, 6 में और 4 में। तो अब हमें क्या करना होता है, पहले से हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। देखिए 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 4, देन 4 2 8, यानी कि 4 पे हमारा पूरा सॉल्व हो रहा है। तो आंसर विल बी, नेक्स्ट डिजिट हमारी क्या आ गई, 4। तो इसका स्क्वेयर रूट क्या हो गया, 64। इस तरह से हमें स्क्वेयर रूट निकालने होते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाए। 1089। अब देखिए 10 हमारा किस में लाई करेगा, 10 हमारा कर रहा है 3 में, यानी फर्स्ट डिजिट इज 3। 89, 9 यूनिट प्लेस पर 9 कहाँ कहाँ आ रहा है, एक हमारा 3 में आ रहा है, दूसरा 7 में। 10 में से 9 माइनस करने पर हमारे पास बचा था 189। तो अब देखिए इसको हम सबसे पहले 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से 3 6 18, 9, 3 3 9, यानी पूरा सॉल्व हो रहा है। तो यानी 6, तो नेक्स्ट डिजिट हमारी क्या आ गई, 3। आंसर विल बी 33। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, स्क्वेयर रूट्स। टुडेज लास्ट ट्रिक इज क्यूब रूट। क्यूब रूट, अब देखिए क्यूब में भी आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। क्यूब ऑफ 1 इज 1, क्यूब ऑफ 2 इज 8, क्यूब ऑफ 3 इज 27, क्यूब ऑफ 4 इज 64, क्यूब ऑफ 5 इज 125, क्यूब ऑफ 6 इज 216, क्यूब ऑफ 7 इज 343, क्यूब ऑफ 8 इज 512, क्यूब ऑफ 9 इज 729, एंड क्यूब ऑफ 10 इज 1000। ठीक है, ये तो आप याद कर ही लोगे इजीली। अगर याद नहीं होते तो 4 into 4 16, 16 into 4 64, ऐसे निकाल सकते हो आप। 10 तक क्यूब लर्न हो जाएंगे। 4 9 1 3, अब इसमें हमें, उसमें 2 2 के पेयर्स बनाए थे, इसमें हमें 3 3 के पेयर्स बनाने होते हैं। तो 4 देखेंगे सबसे पहले किस में लाई कर रहा है हमारा, 4, 2 भी हमारा बड़ा हो गया तो फर्स्ट डिजिट इज 1, नेक्स्ट लास्ट डिजिट इज 3, 3 हमारा कहाँ पर आ रहा है यूनिट प्लेस पे, 7 पे, तो सेकेंड डिजिट इज 7, आंसर विल बी 17। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, 6 1 4 1 2 5, इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले 3 3 के पेयर्स बनाएंगे। अब 6 1 4 किस में लाई करेगा हमारा, 8 में, तो फर्स्ट डिजिट इज 8, नेक्स्ट यूनिट प्लेस में हमारा क्या आ रहा है, 5, और 5 में ही आता है हमारा यूनिट प्लेस पे, तो आंसर विल बी 85। तो ये हमारे थे क्यूब रूट्स के शॉर्ट ट्रिक्स। तो आज की क्लास में मैंने आपको सिंगल डिजिट सिखाया, उसके बाद कुछ कॉम्प्लीमेंट, 5 and 10 कॉम्प्लीमेंट सिखाए। जैसे 5 and 10 कॉम्प्लीमेंट है, इसी तरह हमारे कुछ और कॉम्प्लीमेंट्स भी होते हैं। उसके बाद ही हम सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और सारा जो भी मैं आपको कराऊंगी पूरा अबेकस में, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और ये स्क्वायर और क्यूब रूट की शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, जिससे बच्चे क्या है, सिर्फ ऐसा नहीं है अबेकस से आप बचपन में इसको यूज़ कर सकते हैं, बल्कि बाद में भी जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं कि आपको एक मिनट, एक सेकंड से भी पहले आंसर निकालने पड़ते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अबेकस की ट्रिक्स सिर्फ बचपन में नहीं, बल्कि बाद तक भी आपको काम आती है।
आई होप कि आज आपको हमारी अबैकस की जो वर्कशॉप है वो पसंद आई होगी। और हमने अपना यूट्यूब पर चैनल बना रखा है लर्न अबैकस बाय मंजू गुप्ता के नाम से, जो आप जाइए वहाँ पर हमारी काफ़ी वीडियो डल चुकी हैं और बाकी की नेक्स्ट सिलेबस की वीडियो हम बना रहे हैं, प्रोसेस में है और वो डलने वाली है, ठीक है। तो वो देखिए और आप सीखिए। और कोई अगर मेरे पास ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन पर्सनली 1-to-1 सीखना चाहता है तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कराती हूँ फैसिलिटी, तो आप मेरे पास 1-to-1 भी सीख सकते हैं, ठीक है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों हैं। तो आप जो भी और डिटेल्स है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डली होगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके प्लीज़ पूछिए। तो अब हमारा नया बैच जल्द ही शुरू होने वाला है, उससे पहले हमारे जो बैचेस चल रहे हैं वो चली रहे हैं, लेकिन अब नए सिलेबस के साथ नया बैच जल्द ही शुरू होगा, तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। आई होप दैट टूडेज सेशन इज फ्रूटफुल फॉर एवरीवन एंड आई बिलीव दैट यू हैव लर्न अबाउट अबैकस नॉट फुली but a gist of it. Thanks for attending this session today. For more information and any queries, you can contact on our number showing on your screen right now. Happy learning, stay safe, stay blessed.